हेलो, मैं जितपाल सिंह गवर्नमेंट अनु कॉलेज हनुमानगढ़। नंबर सिस्टम की अपनी क्लास चल रही थी। नंबर सिस्टम टोटल मैंने आपको 12 तरह के करवाए थे। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं हमारे को दोबारा समझाओ, तो मैं दोबारा उसको रिपीट कर रहा हूँ। नंबर सिस्टम क्या है? संख्याओं का सही ढंग से प्रस्तुतिकरण नंबर सिस्टम कहलाता है। नंबर सिस्टम चार तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम, दो नंबर बाइनरी नंबर सिस्टम, तीन नंबर ऑक्टल नंबर सिस्टम और चार नंबर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब इनको कन्वर्जन किया था अपने, कैसे? एक नंबर था डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल संख्या दे रखी थी उसको अपने ऑक्टल में करना, डेसिमल संख्या दे रखी थी उसको अपने बाइनरी में करना। तो क्या तरीका बताया था? दो का भाग देते जाओ, ये संख्या है दो का भाग दिया, लास्ट तक देना है। लास्ट में जब एक बच जाए तो वो अपने छोड़ देना, नीचे से ऊपर को जाना है। फिर टू वन का वैल्यू थी, भाग दिया 1010 अपना आंसर आ जाएगा। फिर था डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल संख्या दे रखी होगी उसको अपने ऑक्टल में करना है। बाइनरी का मतलब आधार दो था, ऑक्टल का आधार क्या होगा? 8 होगा, डेसिमल का आधार 10 होता है। तो यहाँ पे क्या है, डेसिमल संख्या है 41, उसको आपने ऑक्टल में करना है। तो संख्या ऐसे लिख ली, 8 का भाग दिया, कितने बार गया? 5 बार, शेष बचा एक, आंसर क्या होगा? 51। अब और संख्या लेनी, जैसे 201 है, लिख ली बीच में, भाग दिया, 25 8 200 होते हैं, तो शेष एक बच गया। अब आगे फिर भाग दिया, 8 दिया 24, शेष एक बच गया, आंसर क्या हो जाएगा? 311। ये था डेसिमल टू ऑक्टल। और तीन नंबर क्या आएगा? डेसिमल टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। संख्या दे रखी होगी कोई भी ले लो आप, यहां पे जैसे 41 है, 41 को आपने हेक्साडेसिमल में चेंज करना है, भाग दिया आपने किसका? 16 का। और 41 में 16 का भाग दिया कितनी बार जाएगा? 2 बार, 16 32 41 32 से कितने बचेंगे? 9, आंसर क्या आ जाएगा? 29। ठीक है, जैसे आपने कर दिया 29 है डेसिमल में, इसको आपने हेक्साडेसिमल में करना है, तो भाग दिया 16 का एक बार जाएगा, 29 में 16 कटे कितने बच गए? 13। अब आंसर क्या आएगा? 1। लेकिन 13 को क्या लिखेंगे? आपको मैंने बताया था 10 को ए लिखेंगे, 11 को बी, 12 को सी, इस तरह से करके 13 को डी और 14 को ई लिखेंगे, ए बी सी डी। तो यहां पे क्या आ जाएगा? ए बी सी डी, डी आएगा यहां पे। ठीक है, 13 को डी लिखेंगे, 14 को ई और 15 को एफ लिखेंगे। जैसे ही इस साइड में कोई संख्या आती है 10 से 9 से ऊपर वाली 15 तक, तो उसको ए बी सी डी ई एफ के हिसाब से लिखना है। तो ये आ गया 1, 13 का मतलब डी। ये है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ये तीन हो गए। अब चार नंबर अब ले लेंगे अपने बाइनरी, शुरू करेंगे बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी संख्या दे रखी होगी उसको आपने डेसिमल में चेंज कर दिया। बाइनरी के अंदर क्या तरीका बताया था आपको? संख्या अलग अलग लिख लो और राइट हैंड साइड से 2 की पावर 0 लिखो ऊपर, फिर लिखो 2 की पावर 1, फिर लिखो 2 की पावर 2। ठीक है, अब 2 की पावर 0 हमेशा क्या होती है? 1 होती है। 2 की पावर 1 क्या होती है? 2 होती है। 2 की पावर 2 क्या होती है? 4 होती है। अब जो बीच में था 2 की पावर 0 लिखने की जरूरत नहीं, आगे से जो भी संख्या हो उसके ऊपर 1 2 4 लिख लो। 1 कैसे है वो मैंने आपको बताया, 2 की पावर 0 इसलिए 1 आया, 2 की पावर 1 2 आया, 2 की पावर 2 4 आया, 1 2 4। अब 4 को 1 से गुणा करेंगे 4, 2 को 0 से करेंगे 0, 1 को 1 से करेंगे 1, 4 और 1 5। ठीक है, यह है बाइनरी टू डेसिमल। उसके बाद आ जाओ, ये था अपना 4 नंबर, ठीक है, ये था अपना 5 नंबर। अब आ जाएगा 6 नंबर, डेसिमल टू नहीं, 103 नंबर था ये, 3 नंबर, 4 नंबर, अब आ जाएगा आगे 5 नंबर, बाइनरी टू ऑक्टल। ठीक है, डेसिमल को पहले ले लेना है, 3 डेसिमल हो गए, अब ले लिए बाइनरी, बाइनरी के 3 हो जाएंगे, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल। अब बाइनरी संख्या दे रखी है इसको ऑक्टल में करना है, तो क्या करना है आपने? संख्या अलग अलग लिख लो
और राइट हैंड साइड से ग्रुप बना हुआ ऐसे तीन संख्याओं का। अब एक संख्या है तो तीन संख्या पूरी करनी है, दो जीरो अपनी तरफ से लगा दो। अब 001 का मान क्या होगा? 1। 011 का मान क्या होगा? 3। जैसे डेसिमल में चेंज करना है, डेसिमल में चेंज करना है तो अपने तरीका क्या बताया था मैंने आपको, यहाँ पे 1, 2, 4 लिख लो, नाम लिख लो 1, 2, 4, इसको अलग लिख लो 1, 2, 4, दोनों अलग अलग आएंगे। 00 कट गई, एक ही बचा, 4 से 0 कट गई, 0 कट गया, 2 1 3, आंसर क्या होगा अपना 1 3। ये बाइनरी टू ऑक्टल है, ठीक है, ये आपने उसमें करके देख रहे हो, बार बार उसको रिपीट करके सुन लिया करो आगे। अब आगे 6 नंबर, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी संख्या दे रखी है उसको आपने हेक्साडेसिमल में चेंज करना है, संख्या अलग अलग लिख लो और राइट हैंड साइड से ग्रुप बनाओ चार संख्याओं का, क्योंकि हेक्साडेसिमल में चार संख्या आनी जरूरी है, ऑक्टल में 3 आती हैं, हेक्साडेसिमल में 4 आएंगे, और 4 संख्या लेके एक अपना बच गया तो 0 लगाएंगे। अब 001 का मान तो 1 ही रहेगा, लेकिन 0111 का मान क्या होगा? या तो टेबल याद रख लो, अगर भूल जाते हो तो यहाँ पे इसको डेसिमल में चेंज करो, 8 तक जाएगा, 00 कट जाएगी, 4 2 6 1 7, 1 7 1 7 आपका आंसर होगा। ये है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, 6 हो गए टोटल। अब 7 नंबर, ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल संख्या दे रखी होगी उसको आपने डेसिमल में चेंज करना है। जब ये चीज आप कर रहे हो तो आपको 4 नंबर कराया था बाइनरी टू डेसिमल, उसमें क्या करते थे अपने 1 2 4 8 लिखते थे, अब इसमें क्या करना है वही तरीका आप यहां यूज कर सकते हो, लेकिन चेंज हो जाएगा ऑक्टल टू डेसिमल। संख्या आपके पास है राइट हैंड साइड से लिखूंगा 1 8 और 64। रूल क्या ध्यान रखना अपने ऑक्टल का, 0 से लेके 7 तक संख्या आ सकती हैं, तो ये सही है अपनी संख्या। अब इसको करना है डेसिमल में, तो क्या लिखेंगे, पहले फर्स्ट लिखोगे 1, 8 की पावर 0 1 होती है, फिर 8 की पावर 1 8 होती है, 8 की पावर 2 64 होती है, तो क्या हो जाएगा 1 8 और 64, 64 को 1 से गुणा करोगे 64 प्लस 0 प्लस 1, क्या आंसर हो जाएगा 6 5। यह है ऑक्टल टू डेसिमल, 7 नंबर, ठीक है। अब आ जाओ 8 नंबर, ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल संख्या दे रखी होगी उसको आपने बाइनरी में बदलना है, दोनों संख्या अलग अलग लिख लो, 2 का मान और 1 का मान। 2 का मान क्या होता है, वैसे तो डेसिमल में 1 0, 1 का मान 1 होता है, लेकिन यहां पे ऑक्टल है तो ऑक्टल के लिए आपको 3 संख्या जरूरी है पूरी करनी, 2 अपने पास थी, तीसरी अपने 0 लगा ली, 1 अपने पास था, 2 0 अपने तरह से लगा ली, ठीक है। अब ऊपर से लिखना है 010001 इसका आंसर है, 010001 ये होगा ऑक्टल टू बाइनरी। आई समझ में? अब 8 हो गए, अब आ जाओ 9 नंबर, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल संख्या दे रखी होगी आपके पास उसको आपने अब हेक्साडेसिमल में चेंज करना है, ठीक है। क्या रूल है, 2 का मान 1 का मान तो वैसे ही लिखने से ऑक्टल में लिखते थे, कम थी अपने 0 अपने तरफ से लगाई थी, ठीक है। अब क्या है, इसको इकट्ठा कर लेना। अब इसके बाद इसको हेक्साडेसिमल में चेंज करना है, ऐसे 2 0 अपनी तरफ से लगा लो, ठीक है। ऊपर पहले 3 संख्या आएंगी, फिर 4 संख्या ग्रुप बनेगा, अब इसको आप चेंज करना डेसिमल में, 1 का मान 1 1 का मान 1, तो आंसर आ गया 1 1। यह ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, रूल ध्यान रखना है, ऑक्टल वाली संख्या लिख ली उसको बाइनरी में चेंज कर दिया, फिर उसको इकट्ठा कर दिया, फिर हेक्साडेसिमल में चेंज कर दिया, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या है डेसिमल में वो करनी, जैसे 1 2 4 8
1 2 4 8 0 0 कट के एक एक बचा अपने पास, तो मैंने आगे कर दिया। ये था ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। अब आ जाओ 10 नंबर। डेसिमल कंप्लीट हो गए, बाइनरी कंप्लीट हो गए, ऑक्टल कंप्लीट हो गए। अब आ लास्ट में क्या बचा, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। अब अपने बाइनरी डेसिमल क्या करते थे, 2 की पावर 0 करते थे अपने, ऑक्टल में क्या करते थे, 8 की पावर 0 करते थे। अब हेक्साडेसिमल में क्या करेंगे, 16 की पावर 0 कर देंगे। ये आपकी संख्या है, इसको डेसिमल में चेंज करना है। 2 और 1 अलग अलग लिख लो, 16 की पावर 0 हमेशा क्या होगी, 1 होगी। 16 की पावर 1 क्या होगी, 16 होगी। 16 को 2 से गुणा करो +1, आंसर क्या आ जाएगा, 3 3 जोड़ के। यह है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, ठीक है। अब आ जाओ 11 नंबर, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। संख्या आपके पास है, उसको आपने बाइनरी में चेंज करना है। 2 का मान 1 का मान, 2 का मान 1 0, 1 का मान 1। लेकिन अब हेक्साडेसिमल है तो 4 संख्या पूरी करनी है अपनी तरफ से, तो इसमें 2 0 लगा देगा अपने 10, 1 का तो 3 0 अपने 10 लगाएंगे। अब सबको इकट्ठा करके ऊपर लिख देंगे, ठीक है। 0 0 1 0 0 0 0 1, ये है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। ग्यारह हो गए। अब लास्ट 12 नंबर है हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। हेक्साडेसिमल संख्या दे रखी है, उसको आपने ऑक्टल में चेंज करना है, ऑक्टल में 8। संख्या आपके पास है, ठीक है, अलग अलग इसकी वैल्यू लिखो आप। 2 का मान 1 का मान, 2 का मान क्या होता है, 1 0, 1 का मान 1 होता है। लेकिन हेक्साडेसिमल है तो 2 0 अपनी तरफ से लगाएंगे, 1 है तो 3 0 अपनी तरफ से लगाएंगे। टोटल 8 संख्या होनी चाहिए 2 की संख्या तक। अब क्या आ जाएगा, इसको इकट्ठा लिख दो। लिखने के बाद जब लास्ट में ऑक्टल है तो 3 संख्याओं का ग्रुप बनेगा, जहां 2 0 थी 1 0 तरफ से लगाएंगे, तो 0 4 1 आपको नंबर दे रखे 97994 80306 पे आप मैसेज करके पूछ सकते हो, दोबारा आपको करवा देंगे। थैंक यू।